देश की सुप्रसिद्ध महिला पहलवान विगत कई दिनों से दिल्ली में न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसके यौन शोषण के आरोपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। लेकिन आज तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसी की मांग को लेकर अखिल भारतीय जाट महासभा, राष्ट्रीय जाट, तेजवीर सेना एवं समस्त जाट समाज की ओर से सोमवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन बागली एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम शोभाराम सोलंकी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि देश की महिला पहलवान जब मेडल जीतकर आई थी तो पूरे देश को गौरवान्वित किया था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने भी इनका स्वागत किया था, लेकिन आज जब वो न्याय की मांग कर रहे हैं तो सरकार भी उनके साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें अब समाज में बांटा जा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जिस प्रकार से हमारे जाट पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया और अनेक मेडलों से इस देश की जो तस्वीर सजाई है उसमें आज देखिए कि ब्रजभूषण जैसा एक जिसने दुष्कर्म किया हमारे पहलवानों के साथ और उसकी एफआईआर करने के बजाय वो एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शासन प्रशासन के दबाव में की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम आज अखिल भारतीय जाट महासभा के दान में सभी बागली विधानसभा में हाटबलिया विधानसभा जाट इकट्ठे हुए हैं और एसडीएम साहब को जल्द से जल्द ब्रज की गिरफ्तारी का एक आवेदन पत्र भी हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम। यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या? गिरफ्तारी नहीं हुई है अगर तो हम पूरे जाट जो कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले भोपाल में भी एक माहौल बदला जाट महाकुंभ के नाम से, तो हम फिर से माहौल बदलने की कोशिश में फिर से कर सकते हैं। तब वो देश की बेटियां हो जाती है और जब भी वो न्याय मांगती है तब विशेष जाति की हो जाती है, ये जो सरासर गलत है। केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो हमने दिया है उसकी कार्रवाई के लिए हम माननीय साहब से जल्द नियंत्रण तथा एसडीएम मांग करते हैं कि सांसद ब्रजभूषण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो तथा यौन शोषण के गंभीर मामलों में जो पॉक्सो एक्ट लगा है उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।